आज मैं आपको जलेबी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत टेस्टी बनती है और घर में आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके अंदर मैं 2 कप शुगर डालूंगी, ये 2 कप हो गए। 1 कप मैं पानी का डालूंगी। अब इसकी हम चाशनी तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी, थोड़ा सा मैं केसर के धागे डाल दूंगी, इसका कलर अच्छा है। और गैस मैंने मीडियम कर दी। मुझे 6-7 मिनट हो गया। अब इस ये चाशनी इसी चिपचिपी सी बनाएंगे, 1 तार 2 तार की नहीं बनाएंगे। ये हमारी चाशनी रेडी हो गई। अब मैं गैस बंद कर दूँ। बहुत अच्छा इसका कलर है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसके अंदर डाल दिया। सिर्फ मैंने 1 ही कप लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच दही का डाल दूंगी। 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला, आप इनो भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एक अच्छा सा घोल तैयार कर लूंगी। पूरा 1 कप नहीं डाला, उससे थोड़ा कम ही डाला है, थोड़ा सा बच गया है। हमारा जो पेस्ट है रेडी हो गया है। अब हम इसकी जलेबियाँ बनाएंगे। जो सारा मटेरियल था वो मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। जलेबी बनानी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। अब मैंने गैस थोड़ा तेज कर दिया है। जब हम डालते हैं उस टाइम उसे तो हम मीडियम में ही डालेंगे, जब थोड़ा सा बन जाए तब मैंने अब गैस जड़ी है थोड़ी तेज कर रखी है। ये अब बननी शुरू हो गई है। अब मैं इसको पलट दूंगी। गैस में स्लो करके इसको पलटूंगी। ये हमारी जलेबियाँ रेडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूंगी, गैस स्लो कर दी, निकाल के इसको चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में भी ज्यादा देर डिप नहीं करना, सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैं बीच रखूंगी, उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी, क्योंकि नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाती है। जाली में निकाल दूंगी, जो एक्स्ट्रा इसकी चाशनी है वो निकल जाएगी। ज्यादा देर डिप नहीं करनी। ये हमारी घर की बनी हुई जलेबी रेडी हो गई है और बहुत अच्छी बनी है, सिर्फ 1 कप मैदे के साथ। इतनी सारी मैंने जलेबियां रेडी कर ली है। आप भी इसको जरूर ट्राई करके देखना, घर में बहुत अच्छी तरह बन जाती है।